नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रोजेक्ट। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे में जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करिए और पास में जो बेल वाला आइकन है उसे भी क्लिक करिए, ऐसे ही नए नए इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ अरिजीत और मैं आज आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक टच सेंसर स्विच बनाना सिखाऊंगा जिसमें सिर्फ तीन कॉम्पोनेंट यूज किए हैं, एक है ट्रांजिस्टर, एक है एलईडी और एक रेजिस्टर। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे टच सर्किट सेंसर को बनाया जाता है सर्किट को। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो इसके लिए हाँ फ्रेंड जो है तीन कॉम्पोनेंट जरूरत पड़ेगी। एक है IR FG44N ट्रांजिस्टर, देख सकते ये वाला ट्रांजिस्टर हमको एक पीस चाहिए। उसके बाद हमको जो एलईडी है उसको चाहिए 5 mm का एलईडी। मैं एक एलईडी का यूज़ किया, आप चाहे तो 10-20 जितना आपका मर्जी है यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हमको 220 ओम को रेजिस्टेंस चाहिए, आप चाहे तो 100 ओम या 47 ओम रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, ये सपोर्ट की बेस्ट बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो उसको वहाँ से जाके खरीद भी सकते हैं। तो पहले हम IR FG44N ट्रांजिस्टर के साथ लगा लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है गेट, दूसरा पॉइंट है ड्रेन और तीसरा पॉइंट है सोर्स। उसके बाद हम 220 ओम रेजिस्टेंस को लेंगे और 220 ओम रेजिस्टेंस को हम ट्रांजिस्टर का जो ड्रेन पॉइंट है उससे सोल्डर कर लेंगे। देन हम एक एलईडी को लेंगे और एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेंगे। मैं एक एलईडी का यूज़ किया, आप चाहे तो 10-20 जितना आपका मर्जी है उतना एलईडी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड हमारा सर्किट बन के हो गया है रेडी। तो चलिए देख लेते सर्किट के साथ कैसे जो है 9 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाता है। 9 वोल्ट पावर सप्लाई का जो फिर नेगेटिव है उसको हम ट्रांजिस्टर के जो सोर्स वाले पॉइंट है उसे सोल्डर कर लेंगे। देन हम 9 वोल्ट का जो पॉजिटिव उसको हम एलईडी के जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे सोल्डर कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं 220 ओम रेजिस्टेंस का यूज़ किया, आप चाहे तो 47 ओम का भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, आपका मर्जी, आपका लाइट जो है वो फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड सर्किट बन के हो गया रेडी। तो चलिए सर्किट को टेस्ट करके देख लेते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं इंडिकेट करके दिखा है आपको किस पॉइंट को आप टच करके ऑन कर सकते हैं और किस पॉइंट को आप टच करके ऑफ कर सकते हैं। जो रेड वाला जो इंडिकेट देख रहे हैं वो है हमारा ऑफ 2 पॉइंट और येलो वाला है हमारा ऑन 2 पॉइंट। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और इस पॉइंट के लिए आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई झट से आपको दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।